जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो से काफ़ी सारे भाइयों को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है। भाई देखो, जितने लोग भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, चाहे ओवर एज हो चुके हो, चाहे अभी आगे चलकर इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हो, तो उसके साथ साथ ये सब भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगा। देखो यार, सबसे पहली बात, इंडियन आर्मी भर्ती का तो कुछ पता ठिकाना नहीं है, और थोड़ा बहुत पता भी चल रहा है कि इस महीने में भर्ती कराई जाएगी, तो ऐसा बोला जा रहा है कि इंडियन आर्मी के अंदर नया रूल चालू होगा, इंडियन आर्मी 3 साल का करा दिया जाएगा, TOD लागू हो जाएगा। तो सिर्फ इंडियन आर्मी में बोला जा रहा है ना, किसी अर्धसैनिक बल में तो बोला नहीं जा रहा है। और ये जितना भी पैरा मिलिट्री फोर्सेज होता है ना, देखो इसमें यूनिफार्म इंडियन आर्मी जैसा ही होता है, बस पता है क्या होता है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये तीनों के तीनों रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारे रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं ना, तो इसमें से जब आप ड्यूटी कर अपने घर आओगे, रिटायर होगे ना, तो आपको पेंशन मिलेगा। और जो जैसे मान लो ITBP, आसाम राइफल, SSB, CRPF, CISF, जैसे ये सारी की सारी जितनी वैकेंसियाँ होती हैं जो अर्धसैनिक बल में आती हैं, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो उसमें आपको पेंशन नहीं मिलता है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। देखो, अगर आप सिंपल 10 पास रहोगे तभी भी आप इसमें जैसे इंडियन आर्मी में भर्ती देख सकते हो, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर आप सिंपल 10 पास रहोगे तभी भी जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जैसे ITBP, आसाम राइफल, BSF, CISF, CRPF और SSB, इन सब में भी आप भर्ती देख सकते हो। लेकिन बात पता है क्या होता है, जितने भी भाई ग्राउंड पर जाकर तैयारी करते हैं ना, सबसे पहले इंडियन आर्मी में दौड़ होता है 1600 मीटर का। तो जो ग्राउंड में दौड़ने जाते हैं सब, अब मान लो अब जो साल भर दौड़ा रहेगा, 2 साल दौड़ा रहेगा, पसीना बहाया रहेगा, उसी का दौड़ निकलेगा ना। जो घर में बैठकर पढ़ा लिखा रहेगा उसका दौड़ निकल पाएगा? तो मिला जुला कर जो लोग पढ़ने में थोड़ा अच्छे होते हैं ना, तो उनका इंडियन आर्मी में दौड़ नहीं निकल पाता है, जिससे इंडियन आर्मी में जो पेपर होता है ना वो थोड़ा ईजी होता है, इसलिए ज़्यादा ध्यान उसी पर देते हैं सब भाई। तो आपको जैसे थोड़ा सा यार देखो, इसके बारे में नॉलेज अगर मिल जाएगा तो फिर आप अपना तैयारी इसमें भी कर दोगे, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और बहुत सारे भाई कमेंट भी कर रहे थे कि नीलेश भाई, इंडियन आर्मी की भर्ती नहीं आ रही है तो हमारा लाइफ ख़राब हो गया, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, लाइफ तो सबका ख़राब हो रहा है भाई, लेकिन इसके बारे में भी आप अपना तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि जितना भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत भर्तियाँ आती है ना, वो कोई भर्ती नहीं रुक रही है। आप लोग खुद देखो, SSC GD की भर्ती आई, अब हम लोग तो तुक्का मारने गए थे, हम तो आप लोग को बताए ही थे, और हमारे जैसे बहुत सारे भाई थे, ठीक है ना। देखो, अब जैसे SSC GD की भर्ती आई, हम लोग ऑनलाइन कराए, भर्ती देखने भी गए, उसका रिजल्ट भी आ गया। बस इतना है, इसमें क्या होता है, इसमें 5 किलोमीटर दौड़ होता है। अब इंडियन आर्मी में 1600 मीटर होगा, तो हमारे जो अर्धसैनिक बल होता है इसमें 5 किलोमीटर दौड़ होगा, और 5 किलोमीटर दौड़ जो पढ़े लिखे रहेंगे, जो हट्ठे कट्ठे मुस्टांडे रहेंगे, जो घर में बैठकर सिर्फ कापी किताब जैसे देख रहेंगे ना, वो लोग भी इसमें दौड़ निकाल देंगे। 5 किलोमीटर दौड़ होगा, 24 मिनट का टाइम मिलेगा, तो सब लोग दौड़ निकाल देंगे। और जब सब लोग दौड़ निकाल देंगे तो इसका पेपर थोड़ा टफ हो जाएगा, बात यही होता है, ठीक है ना। जो उन सभी भाइयों के लिए है, और देखो जो लोग आगे चलकर इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो उन लोगों को भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हो सकता है आपकी लाइफ चेंज हो जाए। अगर इसके बारे में आप देखो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, ये तीनों के तीनों मतलब रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है, और ये भर्तियां नहीं आ रही है। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कोरोना है, जिसकी वजह से भर्ती नहीं कराई जा रही है, लेकिन वो झूठ बोला जा रहा है, ठीक है ना। इसका दूसरा रीज़न हो सकता है, और उसी जगह पर ये जितनी भी भर्तियां होती है, जैसे SSC GD में CRPF आता है, BSF आता है, ITBP आता है, CISF आता है, आसाम राइफल आता है, SSB आता है, तो ये भर्तियां नहीं रुक रही है। ये पता है किसके अंतर्गत आता है? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसको अर्धसैनिक बल बोला जाता है। और ये भी सिंपल 10 पास रहोगे ना, पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे तो इसमें ऑनलाइन कराकर भर्ती देखने जा सकते हो। इसमें 5 किलोमीटर दौड़ कराया जाता है, और टाइम मिलता है 24 मिनट का लड़कों के लिए, ठीक है ना। और लड़कियों के लिए 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है, और लड़कियों का टाइम मिलता है 8.5 मिनट, तो काफ़ी अच्छा रहता है। दौड़ तो सभी लोग निकाल देते हैं, और जो हमारी इंडियन आर्मी की भर्ती होती है, ये वाली भर्ती होती है,
तो इसमें सभी लोगों से दौड़ नहीं निकलता है। जो लोग साल भर 2 साल ग्राउंड पर जाकर प्रैक्टिस किए रहते हैं, जो पूरा दिन रात अपना पसीना बहाए रहते हैं ना, उन्हीं लोगों का इसमें सिर पर दौड़ निकल पाता है। और इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाता है इंडियन आर्मी में, ठीक है ना। दौड़ कराने के बाद जैसे 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, जो भाई दौड़ पास करेगा ना, देखो जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा उससे तो दौड़ निकल नहीं पाएगा, जो भाई ग्राउंड पर जाकर दौड़ा रहेगा ना उससे दौड़ निकल जाता है। तो कंपटीशन जैसे ज़्यादा हाई नहीं होता है। पहले दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद से मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल कराने के बाद इसमें पेपर कराया जाएगा, और जिन भाइयों के पास NCC रहेगा ना, तो उनको इंडियन आर्मी GD में और इंडियन आर्मी ट्रेडमैन में, उन लोगों को पेपर नहीं देना रहेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा इंडियन आर्मी का प्रोसेस, ठीक है ना। और इंडियन नेवी का, इंडियन एयरफोर्स का, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये भी मतलब अच्छा रहता है, जैसे 10 पास से ही रहता है, ठीक है ना, और इसकी भर्तियां निकलती रहती है। और ये सब बताने का मेरा बस एक ही मकसद है, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, तो इसमें अगर आप भर्ती हो जा रहे हो और जब आप रिटायर होगे ना, तो आपको पेंशन मिलेगा। ये बात आप लोग पता कर लेना जो लोग फौजी होंगे उनसे, ठीक है ना। और ये वाली जो भर्ती होती है ये भी सिंपल 10 पास से होती है, लेकिन इसमें पेंशन नहीं मिलता है। और इसमें एक बात और रहता है, जो लोग इंडियन आर्मी में जैसे सिलेक्टेड हो जाते हैं ना, कहीं भी जाते हैं, चाहे इंडियन आर्मी हो या इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, तो लोग बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। जैसे बोलते हैं वो भाई फौजी है, इंडियन आर्मी का जवान है। इसमें से लोग पैरा कमांडो में भी जाते हैं, NSG कमांडो में भी जाते हैं, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा च्वाइस करते हैं सब, ठीक है ना। यही बात रहता है। और अब बात कर लेते हैं इसका, तो इसमें पता है क्या होता है, बहुत सारे भाई इसमें पता है क्यों नहीं ध्यान देते हैं। देखो यार, अगर आप शुरू से ही कोई भी टारगेट बना लोगे ना, तो उसमें आप पास कर जाओगे। जैसे इसमें जैसे किसी में पेपर करा देता है, अब आसाम राइफल में अगर आप ऑनलाइन कराओगे ना, तो इसमें आपका 5 किलोमीटर पहले दौड़ कराया जाएगा, तो दौड़ तो आप निकाल ही लोगे। दौड़ कराने के बाद जैसे आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, तो ट्रेड टेस्ट में ना, जैसे अगर आप कुक में भरे हो तो खाना के बारे में पूछा जाएगा, अगर आप बार्बर में जैसे ऑनलाइन कराए हो तो आपको बाल जैसे किस तरह काटा जाता है, कौन सा मशीन लगता है, तो ये सब पूछा जाएगा। तो मिला जुला कर जैसे आसाम राइफल में जब आप ऑनलाइन करा रहे हो, तो आपका दौड़ कराया जाएगा, उसके बाद से ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, उसके बाद से रिटेन एग्जाम कराया जाएगा, और जब रिटेन एग्जाम हो जाएगा तो फिर आपका मेडिकल कराया जाएगा, और जब मेडिकल हो जाएगा तो आपका फाइनल मेरिट बनेगा। ये जो अर्धसैनिक बल की भर्तियाँ होती है, इसमें पता है क्या होता है, इसमें 5 किलोमीटर का दौड़ होगा, तो जो पढ़े लिखे वाले लोग रहेंगे, मोटे मोटे हट्ठे कट्ठे मुस्टंडे, वो लोग भी दौड़ निकाल देंगे। और जब दौड़ निकाल देंगे तो पेपर में बैठेंगे ही, तो जो आर्मी वाले बंदे रहेंगे उन लोगों का पेपर नहीं निकल पाता है, तो इन लोगों का मनोबल डाउन हो जाता है। जैसे हम भी उसी में आते हैं, हमारा भी नहीं निकल पाता है तो हमारा भी मनोबल डाउन हो जाता है, और जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ज़्यादा फर्क नहीं है, बस तैयारी करना है आपको, अपना एक भी समय गंवाना नहीं है। एक एक सेकंड आपके लिए कितना कीमती है ना, ये मैं क्या बताऊँ भाई। जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन समझ जाओगे। कुछ भी करो लेकिन करो, घर नहीं बैठे रहना है, ठीक है ना। कुछ अलग करो, सबसे अलग करो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, जय हिंद।